आज हम पढ़ेंगे चैप्टर बिजनेस स्टडीज का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्ट और काइंड। सबसे पहले हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट समझेंगे। द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फंडामेंटली एन एथिकल कंसेप्ट। द कंसेप्ट प्रोवाइड्स अ वे फॉर बिजनेस टू कंसर्न इटसेल्फ विद द सोशल डायमेंशंस एंड pay some attention to its social impacts. In other words, business organizations have some kind of obligation towards the society in which they function to deal with social problems and contribute more than economic goods and services. तो इसमें ये बताया गया है कि किसी भी business की society की तरफ एक responsibility बनती है कि वो जैसे खुद profit कमा रहा है, खुद grow कर रहा है, तो वो अपने साथ society जिस जहाँ उसे कंज्यूमर मिल रहे हैं उसका भी ग्रोथ हो। नेक्स्ट हम इसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग काइंड की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Every business enterprise has a responsibility to respect and operate within the law of the country. हर एक business को किसी भी country के law के under ही operate करना है, जैसे payments of taxes regularly or honestly, not to create pollution. And legal responsibility means compliance with the law. Law के साथ चलना, law को follow करना, ये legal responsibilities है. Next है economic responsibility. A business enterprise is basically an economic entity and therefore its primary social responsibility is economic. That is, produce goods and services according to the needs of the customer and sell them at the profit. So, economic responsibilities ki ye banti hai ki wo produce kare goods and services according to the needs of customer. Then sell them at a profit. Next, ethical responsibility. This includes the behavior of a business firm that is expected by society but not codified in law. Example, respecting the religious sentiments of the people, using friendly methods of production, supply of quality products at reasonable price. So, uski kuch ethical responsibilities hogi. Jaise har ek religion ke logo ke sentiments ka dhyan rakhna, unki bhavnaon ko thes na pahunchana. और प्रोडक्शन जो उनका इको फ्रेंडली हो और सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट हो एट रीजनेबल प्राइस, ये उसके एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई किसी बिजनेस की। नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस रिफर्स टू प्योरली वॉलेंटरी ऑब्लिगेशन दैट अ बिजनेस फर्म अज्यूम्स। एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल्स एंड हॉस्पिटल, helping the flood earthquake affected people, generating employment opportunity to the physical handicapped people of the society etc. तो ये कुछ purely voluntary obligations होते हैं business के, जैसे कुछ basic education के लिए, education, health care, इन सब में development करना, जैसे कोई school बनवा दिया या hospital या funds के through जो अर्थक्वेक में अफेक्टेड पीपल है उनकी हेल्प करना, या जो फ्लड की वजह से जूझ रहे हैं उनकी हेल्प करना, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाना उनके लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई इसकी। एग्जाम्पल्स ऑफ सोशली रिस्पॉन्सिबल इंडियन कंपनी, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल इंडियन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले एशियन पेंट्स इज वर्किंग in the area of large scale community development projects. Next, Pepsi is working in the area of promotion of sports. Next, Escort is working in the area of healthcare. Tisco is working in the area of tribal area development. So, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी society की तरफ अपने responsibilities पूरी कर रहे हैं। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट। तो अलग अलग जगह पे सोसाइटी की बिजनेस
अलग अलग जगह पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती है, जैसे ओनर की तरफ, वर्कर की तरफ, कंज्यूमर की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ और कम्युनिटी की तरफ। तो सबसे पहले है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अ बिजनेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इट हैज इंटरेक्शन विद सेवरल इंटरेस्ट ग्रुप सच एज शेयर होल्डर और ओनर, वर्कर्स, कंज्यूमर, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी एक्सेट्रा। बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑल इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि जो बिजनेस है उसकी जो अलग अलग जगह पे जो भी इंटरेस्टेड ग्रुप है उनकी तरफ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द शेयर होल्डर, इन्वेस्टर या ओनर। तो बिजनेस की शेयर होल्डर या इन्वेस्टर या ओनर की तरफ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सबसे फर्स्ट, टू पे अ फेयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट या इन डिविडेंड और इंटरेस्ट। तो उन्हें फेयर रिटर्न देना उनके इन्वेस्टमेंट पे। नेक्स्ट है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, उनके इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी भी रखनी है। थर्ड है टू प्रोवाइड रेगुलर एक्यूरेट एंड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ बिजनेस एज वेल एज स्कीम्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। टू नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन द बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर्स इन पॉलिसी डिसीजंस। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिजनेस की शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स या ओनर की तरफ, कि उन्हें हम फेयर रिटर्न दें उनके इन्वेस्टमेंट का, उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्टेड रखे, और टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर इन पॉलिसी डिसीजंस। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की टुवर्ड्स शेयर होल्डर। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कर और एम्प्लॉय। फर्स्ट, टू पे फेयर वेजेस एंड सैलरीज टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, ये है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू सेकेंड, टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस, एम्प्लॉयज को गुड वर्किंग कंडीशंस देंगे तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। टू प्रोवाइड सर्विस बेनिफिट्स सच एज मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन टू चिल्ड्रन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, टू डेवलप देयर स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, एम्प्लॉयज की स्किल्स एंड स्किल्स को बढ़ा सकते हैं हम थ्रू ट्रेनिंग और एजुकेशन। टू विन देयर कॉपरेशन बाय क्रिएटिंग गुड ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस हम अच्छे बना सकते हैं ताकि वो भी अच्छे से कॉपरेट कर पाए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स द वर्कर्स और एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द कंज्यूमर। तो बिजनेस के कंज्यूमर की तरफ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। फर्स्ट, टू सप्लाई राइट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस, कि आप कंज्यूमर को हमेशा सही क्वालिटी के गुड्स देंगे एट रीजनेबल प्राइस। नेक्स्ट, टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट, टू इन्फॉर्म देम अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू यूजेस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, टू हैंडल द कंज्यूमर्स ग्रीवेंसेस प्रॉम्प्टली, अगर कंज्यूमर को कोई दिक्कत है या फिर उसे कहीं परेशानी आती है तो वो अपने ग्रीवेंसेस को कहाँ बता सकता है, वो भी बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कंज्यूमर्स के ग्रीवेंसेस को सुने। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है बिजनेस की गवर्नमेंट की तरफ। फर्स्ट, टू रिस्पेक्ट द लॉज ऑफ द कंट्री, बिजनेस को किसी भी कंट्री के, जिस कंट्री में वो बिजनेस कर रहा है वहाँ के लॉज उसे मानने पड़ेंगे। नेक्स्ट, टू पे टैक्सेस रेगुलरली एंड ऑनेस्टली, उसे गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना है वो भी ऑनेस्टली और जिस बेसिस में वो पे करता है। नेक्स्ट, टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग इन फॉरेन ट्रेड इन ऑर्डर टू मेंटेन कंट्रीज इमेज, वो फॉरेन ट्रेड में फेयर डीलिंग करे ताकि जो कंट्री की इमेज है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट, टू कॉपरेट विद द गवर्नमेंट्स वॉलंटरली इन सॉल्विंग नेशनल प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी। तो वो गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करे
ताकि नेशनल प्रॉब्लम्स को रोका जा सके, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें, इन सबको रोकने के लिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द कम्युनिटी। तो बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है टुवर्ड्स कम्युनिटी। तो सबसे पहला तो है टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड अवॉइड बैड एफ्लुएंट, स्मोकी चिमनीज, अगली बिल्डिंग, डर्टी वर्किंग कंडीशन। तो ये है कि उसे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़ानी चाहिए ताकि लोग अनएम्प्लॉयड ना रहे। नेक्स्ट है टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी की उसको ऊंचे दर्जे में ला सके, उसे ऊपर उठा सके ताकि वो हमेशा नीचे ही ना रह जाए, गरीब रेखा के नीचे ना रह जाए, उसे भी एम्प्लॉयमेंट का मौका मिले, उसे भी रोजगार मिले। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डिस्पेंसरीज, रिलीजियन इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा ऑफ द कम्युनिटी। तो ये भी एक है कि असिस्टेंस प्रोवाइड करे टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डिस्पेंसरीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा ऑफ द कम्युनिटी। तो ये सारे हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स दिस फाइव, द गवर्नमेंट, कम्युनिटी, कंज्यूमर, एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर।